नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों अभी हमारे पास जो रिक्वायरमेंट चल रही है जिसमें से मैक्सिमम रिक्वायरमेंट दुबई में विजिट टू एम्प्लॉयमेंट वीजा की है। अभी राइट नाउ देखा जाए तो अगर कोई सबसे सॉलिड काम हो रहा है तो दुबई का काम हो रहा है। दुबई में लोग फ्लाई भी कर रहे हैं, वर्क भी हो रहा है, सब प्रोसेस में भी है और जो भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस चलता है ना वो प्रॉपर हो रहा है। समय थोड़ा थोड़ा लग रहा है नो डाउट, क्योंकि अभी कोरोना का टाइम है, इस टाइम पर चीजें थोड़ा स्लो हैं, लेकिन जो भी अगर एम्प्लॉयमेंट देखा जाए, अगर जॉब के बारे में बात की जाए तो सबसे ज्यादा वर्क हो रहा है दुबई के लिए हो रहा है। विजिट टू एम्प्लॉयमेंट वीजा होता है ना, बाद में वहां पर जाके 3 वीक या विद इन अ मंथ एम्प्लॉयमेंट कन्वर्ट हो ही जाता है। सो दोस्तों अभी हमारे पास में और भी रिक्वायरमेंट्स आई हैं दुबई के लिए विजिट टू एम्प्लॉयमेंट वीजा में, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। हमारे पास अभी रिक्वायरमेंट है मिग टिग आर्क और स्ट्रक्चर वेल्डर की रिक्वायरमेंट है, जिसमें सैलरी होगी 1400 से लेकर 1500 दिरहम। इसमें ओटी अलग से मिलेगा, ओटी डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी के ऊपर, वर्क के ऊपर। सो ओटी डेफिनेटली अलग से मिलेगा, कैंडिडेट को एकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट कंपनी की तरफ से मिलेगा, फूड कैंडिडेट को अरेंज करना पड़ेगा। ग्लास हेल्पर की रिक्वायरमेंट है, ग्लास हेल्पर में सैलरी होगी 900 दिरहम, इसमें 9 घंटे की ड्यूटी होगी, ऊपर से ओवर टाइम को 3 घंटे 4 घंटे जरूर मिलेगा, कंपल्सरी होगा इसमें। ओवर टाइम मिला के इनकी सैलरी बनेगी 1400 से लेकर 1500 दिरहम, ओटी मिला के 1400 से लेकर 1500 दिरहम सैलरी बन जाएगी, एकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट कंपनी देगी, फूड कैंडिडेट को खुद अरेंज करना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन की रिक्वायरमेंट है, सैलरी होगी 1200 से लेकर 1500 दिरहम, इसमें कैंडिडेट को लाइक फूड खुद अरेंज करना पड़ेगा, एकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट कंपनी की तरफ से फ्री मिलेगा। दोस्तों ये वैकेंसी तो मैंने शेयर की और इससे पहले भी मैंने कई वैकेंसी शेयर की। जो लोग भी दुबई विजिट करना चाहते हैं, दुबई में विद इन अ मंथ कैंडिडेट का फ्लाई हो जाएगा। जैसे कि दिवाली से पहले मैंने एक अनाउंसमेंट किया था कि मैं खुद जाने वाला हूँ, तो डेफिनेटली मैं नेक्स्ट मंथ का प्लान कर रहा हूँ। मैं अभी इनफ कैंडिडेट हो जाते हैं, रिलेवेंट कैंडिडेट हो जाते हैं, तो डेफिनेटली हम लोग प्लान कर रहे हैं। हमारा प्लान तो वैसे भी है, लेकिन कैंडिडेट हो जाएंगे तो उनको ले जाने में, उनका काम फास्ट करवाने के लिए हम पूरी मिस हमारे प्लानिंग होगी। जब वहाँ जाएंगे वहाँ पर उनका काम कराने के बाद ही हम वापस आना होगा, और इसके लिए बहुत जल्दी हम एक डेट अनाउंस करके अपने ऑफिस में इंटरव्यू कंडक्ट करने वाले हैं, और जिन लोगों का सिलेक्शन होगा उन लोगों को ऑन द स्पॉट हम मेडिकल करवाएंगे और उसी टाइम इमीजिएटली उनका वीजा अप्लाई करेंगे। कोशिश करेंगे विद इन 15 डेज उनका अप्लाई हो जाएगा। दोस्तों रिक्वायरमेंट्स कई कैटेगरी की है और उस रिक्वायरमेंट के ऊपर मैं अगेन मिस 2 या 3 दिन के अगर प्लान करके एक वीडियो डालूंगा, उसमें एक डेट डिसाइड की जाएगी, उस डेट के हिसाब से अपने ऑफिस में एक इंटरव्यू कंडक्ट होगा। उस इंटरव्यू में जितने लोग सिलेक्ट हो जाएंगे ना उसका ऑन द स्पॉट प्रोसेस कर दिया जाएगा, मीन्स विद इन 15 डेज उनको फ्लाई करना होगा। मीन्स हमारा टारगेट है 15th of December के आसपास में फ्लाई करना है, और अभी ये जो इवेंट करने का है वो नेक्स्ट वीक में प्लान करने का है। दोस्तों रिक्वायरमेंट तो काफ़ी है अभी इस टाइम पर दुबई में, मीन्स अगर हम कैलकुलेट करें तो सितंबर अक्टूबर नवंबर में काफ़ी सारे लोग दुबई पहुंच चुके हैं, राइट, और उनका काम हो भी रहा है। हाँ ये हो सकता है किसी को पहले वीक में नहीं हुआ, दूसरे वीक में हुआ, तीसरे वीक में, विद इन अ मंथ सभी लोगों का काम कंप्लीट हो रहा है। दोस्तों अभी जो काम जिस तरह से काम हो रहा है ना सभी जगह, चाहे वो बड़े बड़े किसी भी ऑफिस को देखा जाए, 1000+ लाइसेंस होल्डर होते हैं ना, जो बहुत बड़े बड़े ऑफिस होते हैं जहाँ पर एवरी मंथ 500 से 1000 लोग जाते रहते हैं, उन सभी ऑफिसेस में भी इस टाइम पर दुबई का विजिट टू एम्प्लॉयमेंट वीजा हो रहा है और काम डेफिनेटली हो रहा है, क्योंकि लोग यहाँ से जा रहे हैं, वहाँ पर थोड़ा समय लगने के बाद उनका काम हो जाता है, कभी कभी सेम डे हो जाता है, कभी नेक्स्ट डे हो जाता है, कभी एक वीक के बाद हो जाता है, लेकिन काम जरूर होता है। वहाँ पर उनको इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो भी कंफर्मेशन होता है वो उनका यहीं पे हो जाता है इंडिया में ही। और प्रोसेस में एक बार दोबारा बता देता हूँ मैं, जो इंटरव्यू कंडक्ट करने वाले हैं उस इंटरव्यू में लाइक जो ट्रेड होंगी उस ट्रेड के ऊपर 2 या 3 दिन के अंदर आपको एक वीडियो मिल जाएगा, और उस वीडियो में अगर आपको मैच करता है तो डेफिनेटली आप उस इंटरव्यू वाले दिन आप आ जाइए, आपका प्रोसेस करवा देंगे, ऑन द स्पॉट आपको रिजल्ट मिल जाएगा, सिलेक्शन होता है तो फिर आपका विद इन 15 डेज फ्लाई हो जाएगा। दोस्तों ये जो रिक्वायरमेंट्स रहेंगी रिक्वायरमेंट कॉमन रहेंगी, मींस हेल्पर के लिए, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, टेक्नीशियन, जो जो रिक्वायरमेंट्स है विद सैलरी मैं आपको बताने वाला हूँ, बट कॉमन रिक्वायरमेंट्स जिनके लिए गल्फ में लोग जाते रहते हैं वही रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन साथ साथ में इनमें से जो रिक्वायरमेंट होगी वो रिक्वायरमेंट गोल्ड मार्केट के लिए भी होंगी, कुछ अकाउंटेंट कैशियर की भी रिक्वायरमेंट होंगी, पैकिंग हेल्पर की भी रिक्वायरमेंट होगी, वो सारे रिक्वायरमेंट के ऊपर हम वर्कआउट करके आपको बताएंगे। उस वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन आएगी, आपसे निवेदन है कि अगर आप दुबई जाना चाहते हैं तो उस वीडियो को जरूर देखें, और जो वैकेंसीज हैं अगर आपको रिलेवेंट वैकेंसी लगती है तो उस पर आप अप्लाई जरूर करें और उस दिन हमारे ऑफिस में जरूर विजिट करें। दोस्तों वैकेंसी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि रिलेवेंट लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियोज को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे।
धन्यवाद।